हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अशासकीय शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में हर साल जो है अशासकीय शिक्षक भर्ती यहाँ पर निकलती है, और इस साल भी निकली थी आपकी जनवरी फरवरी के समथिंग टाइम पे। और उसके बाद से यहाँ पर अलग अलग स्कूलों में वैकेंसी निकाली गई थी, 800 के समथिंग जो है पद निकालने थे, लेकिन यहाँ पर 430 की समथिंग या 500 के करीबन जो है पद निकाले गए थे। उसके बाद कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो है ये पद जो है यहाँ पर जो प्रक्रिया थी भर्ती का वो यहाँ पर जो है रोक दिया गया था। अब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इसके लिए यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशक ने क्या बयान जारी किया है वो बात करेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो है दो तरह की भर्तियाँ होती है, एक शासकीय एक अशासकीय, और दोनों में सैलरी में और स्कूल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग होती है भर्ती का वो अलग होता है। शासकीय में आपको पता है कि पेपर के बेस पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो अशासकीय में होता है वो इंटरव्यू के बेस पर आपका यहाँ पर रहता है। और फॉर्म भी यहाँ पर आपका जो ऑफलाइन तरीके से होता है ये जो है आयोग कराता है इसकी भर्ती, और इसकी भर्ती जो है विभाग खुद कराता है। ठीक है, विभाग और आयोग में जो है भर्ती का प्रोसेसिंग करने का तरीका अलग अलग है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो विभागीय स्तर पर जो है किस तरह की भर्तियां होती हैं अशासकीय में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपकी भर्तियाँ निकली थी, LT में है, प्रवक्ता में है, और यहाँ पर प्रिंसिपल हैं। PRT में भी इस बार निकाली गई थी भर्तियाँ, क्योंकि हरिद्वार में काफ़ी अशासकीय स्कूल हैं जहाँ पर PRT के पद रिक्त थे, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रिंसिपल के कुछ पोस्ट थे और कनिष्क सहायक के थे, इन पर भी भर्तियाँ यहाँ पर आई हुई थी। तो अब ये भर्तियाँ फिर से यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जिन पदों की भर्ती कोविड के टाइम पे चली हुई थी प्रक्रिया, उनको स्थगित कर दिया गया था, तो उनकी फॉर्म फिर से निकाले जाएंगे। और जिनके फॉर्म पहले से भर रखे थे मेरे ख्याल से उनके फॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के फॉर्म यहाँ पर दोबारा से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों में ही भर्तियां निकालनी है इनको। और 400 के करीबन, 450 के करीबन यहाँ पर भर्तियां निकाली थी, लगभग 300 के करीबन और निकाले थे इनको, वो सब निकालेंगे। तो इसके संबंध में क्या है अपडेट देखिए, तो इसमें जो है अशासकीय स्कूलों में जो है शिक्षा भर्ती से संबंधित जो यहाँ पर रोक लगाई थी उसको हटाने के लिए यहाँ पर जो है शिक्षा जो यहाँ पर निर्देशक है सीमा जानसर से यहाँ पर आपके जो यहाँ पर उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिले हैं, और उसी वजह से यहाँ पर जो है अब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है रिक्त पद पड़े हुए हैं और जितने भी तमाम शिक्षक हैं उनके, और इसके संबंध में यहाँ पर कहा गया है जो शासन ने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा था उसके अलावा जो यहाँ पर क्लास 4th के यानी कि आपके ग्रुप D के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति भी करनी है यहाँ पर। और ये तो खैर आउटसोर्सिंग माध्यम से ही होती है और आपको पता होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती होती है वो आपके विभागीय स्तर पर होती है, और इसके लिए यहाँ पर शिक्षा निदेशक ने स्कूलों में जो है नियुक्ति प्रक्रिया पर शुरू करने का जो है आश्वासन दिया है। जैसे यहाँ पर आश्वासन दे रखा है, और इसका कुछ टाइम के बाद से हो सकता है कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस निकालें, तो उसके बाद जो अशासकीय स्कूल की भर्ती प्रक्रिया है वो आपका सुचारू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ टाइम और लग सकता है इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये प्रकरण रुका हुआ है, और जैसे ही ये प्रकरण खुल जाता है तो उसके बाद जो आपके शासकीय भर्तियाँ हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, 1-2 महीना लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी भर्तियाँ हो जाएंगी। यहाँ पर शिक्षा सचिव ने आश्वासन दे रखा है कि जल्दी जो है यहाँ पर इस पर जो लंबित है मामला उसको हटा दिया जाएगा, और ये आश्वासन दिया है इन्होंने।